तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक के। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के। अगर आप लोग आईटी से बीटेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से करने वाले हैं। तो आपको बता दूँ, बीटेक एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जो कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है। आपको बता दूँ, ये टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी मानी जाती है LPU, और आने वाले टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल कोर्स, और ये काफ़ी डिमांडेबल यूनिवर्सिटी रहती है। तो मान लीजिए, अगर आप लोग यहाँ से कोर्स करते हैं तो क्या फीस रहती है, क्या प्रोसेस रहता है, यानी कि पूरा एनी है, कैसे एडमिशन मिलेगा, यानी कि सभी डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो ड्यूरेशन है यानी कि कितने साल का होगा, 4 साल का ये आपका कोर्स रहने वाला है, और यहाँ पर टोटली 8 सेमेस्टर रहेंगे। यानी कि 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर रहेंगे। भाई, हम थोड़ा सा और नीचे आने के बाद यहाँ पर बात करते हैं और भी चीज़ों की। तो यहाँ पर देखिए, किस तरीके से आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है वो समझिएगा थोड़ा सा। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। और भाई, हम थोड़ा सा प्लेसमेंट की बात कर दें तो यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी भी आपको काफ़ी, एवरेज सैलरी कुछ इस तरीके की रहेगी, लेकिन यहाँ पर हाई सैलरी काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर कैसे एडमिशन मिलेगा और क्या प्रोसेस रहेगा, यानी कि पूरा इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट मिल जाते हैं। अगर आप लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैं आपको सब्जेक्ट भी प्रोवाइड कर दूँगा कि यहाँ पर कौन कौन से और क्या क्या सब्जेक्ट मिलते हैं, अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो। तो सिंपली अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइट एरिया के, यानी कि यहाँ पर कैसे आप लोग यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर प्लस टू पास होना चाहिए 60% नंबरों से, यानी कि आपके प्लस टू में 60% कम से कम नंबर होने चाहिए। मान लीजिए 60% से कुछ कम है तो हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन आपको 60% कम से कम नंबर होने चाहिए। वहीं हम बात करें विथ फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीटेक करने के लिए आपके पास फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये सब्जेक्ट होने चाहिए। भाई, हम बात करें, आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, जीमेंस, एलपीयू नेस्ट और CUET का। अब आप सोच रहे हैं, क्या मुझे ये तीनों एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे? नहीं, आपको इन तीनों में से कोई भी एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप की भी, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। और वहीं अगर आप लगा लीजिए SC ST कैंडिडेट के, तो यहाँ पर 5% यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आपको बता दूँ, जैसे कि 60% है तो यहाँ पर आपका 55% में SC ST कैंडिडेट का काम चल जाएगा। भाई, हम थोड़ा सा और नीचे आके समझते हैं और इस चीज़ को। तो आप ये जो LPU नेस्ट का एग्ज़ाम है वो किस तरीके से होगा वो समझ लीजिए। LPU का नेस्ट का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन के द्वारा रहेगा। अब आप समझ रहे होंगे कि ऑनलाइन रिमोट प्रोसेस होम, यानी कि घर बैठे आप लोग यहाँ पर बिल्कुल आसानी से इस फॉर्म को फिल करके एग्ज़ाम दे पाएंगे। वहीं हम बात करें कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस होगा, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा LPU नेस्ट का, उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम प्रोसेस करना पड़ेगा, उसी के आधार पर आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो ये घर बैठे एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप घर बैठे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं तो आप लोग सेंटर बेस्ड भी चॉइस कर सकते हैं। तो भैया, मैं बात करूं, आप एडमिशन क्राइटेरिया यहां पर LPU नेस्ट या फिर CUET सब्जेक्ट के आधार पर ही आपको यहां पर क्वालिफाई किया जाएगा एडमिशन के लिए मेरिट के आधार पर, तो ध्यान रखिएगा। और उसी के साथ साथ हम थोड़ा सा और भी बात करते हैं यहां पर नीचे आने के बाद कि यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं तो आपको मैं इसके बारे में भी एक नई वीडियो बना दूंगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फीस की। देखिए, प्रोग्राम की जो फीस है ना वो 1,20,000 रुपये रखी गई है पर सेमेस्टर। जी हाँ, 1,20,000 रुपये। वहीं हम बात करें LPU नेस्ट स्कोर, आप अगर आप लोग LPU नेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो स्कोर करते हैं 95 और अबव एग्रीगेट 12th और GMAN के एग्ज़ाम के आधार पर, आपको यहाँ पर 57,600 रुपये यानी कि 48% प्रोग्राम फीस माफ़ हो जाती है। और वहीं अपेवेल फीस आफ्टर 62,400 रुपये आपके यहाँ पर स्कॉलरशिप के आधार पर पढ़ने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके की फ़ीस वही सेम है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट 92-94 रहती है तो आपको यहाँ पर 43% का मिल जाता है बेनिफिट। वहीं LPU नेस्ट में स्कोर अगर आप 82-89 करते हैं तो यहाँ पर भी 38% आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। आपको बता दूँ, एग्ज़ाम फीस रहेगी आपकी 4,000 रुपये पर सेमेस्टर, यानी कि 4,000 रुपये पर सेमेस्टर एग्ज़ाम फीस रहने वाली है।
अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो एलपी नेस्ट का एग्ज़ाम फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। अगर कोई और डाउट है बीटेक से रिलेटेड तो आप लोग मुझे भी कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।